यीशु की महिमा हो। प्रेरितों की काम 23 अध्याय 12 से लेकर 35 तक वचन सुनेंगे और मनन करेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन 23वां अध्याय। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जनों के ऊपर थे। उन्होंने महायाजकों और पुरनियों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। सो उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, पौलुस बंधुए ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाएं, मानो तू और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं पिए तो हम पर धिक्कार। और अभी वे तैयार हैं और तेरे वचन की आस देख रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। और दो सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भालेत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, अप्रतापी फेलिक्स हाकिम को क्लॉडियस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया, और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। सो जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में लाए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने पढ़कर पूछा, यह किस देश का है? और जब जान लिया कि किल्किया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। यीशु मसीह हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारे साथ रहकर अपनी वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पूरा पूरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। पौलुस के जीवन में हम ये सारे बातों को हम देख सकते हैं। इसमें पहले पौलुस को वो लोग मार डालने के लिए आते ही टुकड़े टुकड़े करने के लिए, वहां से भी परमेश्वर उसको बचाया। उसके बाद इसमें हम देखते हैं 40 लोग से अधिक लोग हैं, वो लोग साथ मिलकर पौलुस को, यहूदी लोग पौलुस को मार डालने के लिए वो लोग प्लान कर रहे हैं। जब तक पौलुस को मारेंगे नहीं तब तक हम खाए नहीं पिए नहीं करके शपथ खा के लोग निर्णय ले लिया है। उसके बाद उस निर्णय को लेकर, उस प्लान को
प्रधान याजक के पास जाके बताते हैं, हम लोग उसको मार डालना है, तुम आप क्या करना, वो सरदार के पास जाकर पौलुस को लेके आने के लिए बोलना, बोलकर उसके उसके बारे में जांचना है, उसके बारे में समझना है करके आप बोलना। तब वो सरदार आपके पास लेके आएगा, तब तक हम उधर 40 लोग हम लोग तैयार रहेंगे उसको मार डालने के लिए, हम तो यार तुरंत उसको मार डाल देंगे। तो इस प्लान को पौलुस की बहन का लड़का ने सुनकर वो जाकर पौलुस को बता दिया। तो पौलुस क्या किया, वहां के सुबेदारों में एक को बुलाकर कहा, इस जवानों को सरदार के पास लेके जाना, ये जवान कुछ उससे बोलना चाहता है। तो सुबेदार ने उसको लेकर सरदार के पास लेके गया। तो सरदार के पास जाके बोला, पौलुस इस जवानों को आपके पास भेजा है, कुछ ये जवान बोलना चाहता है। तो सरदार ने जवान को अलग लेके गया, उससे पूछा क्या बात है। तो जवान लड़का ने सारे बातों को बता दिया, पौलुस को मार डालना है के लिए वो लोग प्लान कर दिया है, ये सारे बात बता दिया। तो सुबह सरदार ने कहा, इसको किसी को नहीं बताना, तुम अपने घर चले जाओ करके उसको जाने के लिए उसको बोल दिया। उसके बाद सुबेदार को बुलाया, बुलाकर 200 सैनिकों, 70 सवार और 200 वो बाला डालने वाला वो सैनिक लोगों को भी साथ में लेकर केसरिया जाना है, वहां फेलिक्स के पास, उसके लिए एक चिट्ठी लिख के मैं आपके हाथ में दूंगा करके उस सरदार ने चिट्ठी लिखा। वो चिट्ठी में सारे बात इसके बारे में लिख दिया, पौलुस के बारे में, उसको यहूदी लोग पकड़ के लाया था, वो लोग मार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं जाना हूँ, ये रोमी है, तो इसलिए मैं आपके पास इसको बेचता हूँ करके उसके ऊपर क्या दोष लगा वो भी उसने लिखा गया कर वो मैं इस मनुष्य को आपके पास भेज रहा हूँ करके, वो भेजने के बाद ये भी कहा, जो लोग इनके विरोध में बोल रहे हैं वो आपके पास ही आएंगे, आप देख लेना करके उसने चिट्ठी में लिखा है। इस चिट्ठी को सैनिक लोग उनके पास जाके पौलुस को छोड़ के चिट्ठी भी दिया। वो चिट्ठी पढ़कर फिर उसको बोला, ये कौन सा गांव का है। तो वो गांव का नाम फिर बताया, ये तो किलिकिया का देश वाला है करके। उसके बाद इसको बोल दिया जाके इसको हेरोदेस के किले में इसको रख देना करके, ये इस बात पूरा इसमें लिखा गया। हम इसमें से पौलुस को जीवन में हम देखते हैं, सबके हृदय में परमेश्वर काम किया, सबके हृदय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ता है। नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा का हाथ में राजा की हृदय होती है, वो अपने इच्छा के अनुसार वो सब मोड़ता है। इधर पौलुस के लिए सबका हृदय को परमेश्वर बदला, ऐसा ही गंभीर परिस्थिति में भी परमेश्वर उसको सहायता किया, वो उसकी ओर पुकारता था, उसका मन पौलुस के मन में इतना विचार होता तो भी वो परमेश्वर की वायदा के ऊपर वो विश्वास किया, परमेश्वर उसके लिए वायदा किया, उस वायदा को पूरा करने वाला विश्वास योग्य के बारे में वो जानता था। वो विश्वास करता है, मैं किसके ऊपर विश्वास किया हूँ, वो विश्वास से वो दृढ़ मजबूत होकर खड़ा रहा, उसकी जान को हर समय हर घड़ी हर पल परमेश्वर उसको बचाते गया, यीशु मसीह उनके साथ रहकर उसके लिए बड़े बड़े काम को किया है, हर परिस्थिति में उसको बचाया, हर परिस्थिति में उसको परमेश्वर उसको चलाया, उसको जीवन की मार्ग पे उसको परमेश्वर चलाया करके हम इस वचन से हम देख सकते हैं। कहां भी जाओ उसको मनुष्य के आंक में उसको दया मिलने के लिए कुछ लोग परमेश्वर रखा था, ऐसे ही विरोध करने वालों को भी इनके साथ अच्छा सा मदद करने के लिए वो बना देता था, ऐसा ही परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के पीछे जाने वाला को जीवन में ऐसा ही होता है, भले कष्ट मुसीबत आता है, क्योंकि शैतान काम करता है,
लोगों के पीछे से वो यही काम करता है। वो यीशु मसीह का राज्य को आना नहीं चाहता है, अपना राज्य को रखने के लिए वो लोगों के मन में कार्य करके ऐसे परमेश्वर के बच्चों के विरोध में वो खड़ा करता है, उसको मार डालने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन वो अंतिम विजयी हमारा विजयी है। परमेश्वर हमारे साथ रहकर सब बड़े बड़े काम करते हैं। हम यशया में भी देखते हैं 54:17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितनी लोग उदय होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा करके परमेश्वर की वचन लिखा है। उसके बाद भी लिखा है, यहोवा के दासों का यही बाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा का ये वाणी है। परमेश्वर की वायदा है, वो जीत नहीं पाएंगे, हम ही जीत पाने वाले लोग हैं। पौलुस सब जगह पे जीत पाया। झाई परमेश्वर की ओर से आती है, कैसे चाल चलन चलना, कैसे चलना, ज्ञान अभी हम देखें, ज्ञान परमेश्वर की ज्ञान से वो बच जाता है। हर बार परमेश्वर की ज्ञान उसके लिए आता था, लोगों के मन को मोड़ने वाला परमेश्वर, अपनी वायदा को पूरा करने वाले परमेश्वर पौलुस के साथ रहा। हमारे साथ भी आज भी है, वो आज भी जिंदा है। भाइयों बहनों, परमेश्वर की भी बच्चे लोग, विश्वासी भाई बहन लोग, हम सब लोग हिम्मत बांध के हम बोल सकते हैं, यीशु मसीह के लिए हम खड़ा होना है, हमारे लिए परमेश्वर युद्ध करेगा। पौलुस के जीवन में परमेश्वर हर समय उसको बचाया, उसको कहां कहां लेके गया। आज हमारे साथ वही परमेश्वर रहकर बड़े बड़े काम को करने के लिए वो आज भी जिंदा है। पौलुस के द्वारा हमको कितना आशीष मिला, वैसे ही हमारे द्वारा भी दूसरे को आशीष के कारण हम बन जाएंगे। ऐसे परमेश्वर हमको बदल देंगे, हमारे लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। लाल समुन्दर में भी मार्ग खोलेगा, कहां कहां हमको लेके जाना, परमेश्वर का हवा पवित्र आत्मा हमको लेके जाएगा, उनका अनुग्रह हमारे लिए बड़ा है। आज भी हम उनके हाथों में समर्पण करेंगे, उनका राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम काम करेंगे, विश्वास योग्य परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हमारा जीवन में भी बड़े सफलता को हम जरूर पाएंगे। जीत हमारा है, क्रूस पे यीशु मसीह शैतान की सारे कामों को नाश कर जय जयकार की ध्वनि सुनाया, इसलिए वो हमको छू भी नहीं पाएगा। पौलुस को कोई छू नहीं पाता था, परमेश्वर बड़े बड़े काम उसके जीवन में किया है। आज भी हमारे साथ वो रहकर करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर, पूरा पूरा उद्धार करने वाला, उसके हाथों में अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे। ईश्वर आपको आशीष। भजन संगीता 80 अध्याय 1-7 तक वचन सुनेंगे और मनन करेंगे। भजन संहिता अध्याय 80। भजन संहिता अध्याय 80। हे इसराइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है कान लगा, तू जो करूबों पर विराजमान है अपना तेज दिखा, एफ्रीम बिन्यामिन और मनुष्य के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको जो कि त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार कर दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़े का कारण कर देता है और हमारे शत्रु मनमाने ठट्टा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको जो कि त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। इस वचन में हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर को ये लोग पुकार कर, मुझे उद्धार करो,
मुझे उद्धार हो जाएगा। अपना मुख की प्रकाश को चमकाइए, अपनी पराक्रम दिखाइए, अपनी तेज दिखाओ करके ये लोग पुकारते हैं। इस्राएल जाति के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ऐसे करके उनको और वो पुकार रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें लिखा, आंसुओं से अब भर जाता हूँ, पड़ोसियों से झगड़ना, बहुत शत्रु लोग, पड़ोसी लोग, सबसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ऐसे ही परिस्थिति विपरीत है, लेकिन सारे परिस्थिति में भी हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा के ओर ये लोग पुकार रहे हैं। उसमें तेज, परमेश्वर की तेज महिमा वो प्रकट होती है, वहां उनका सामर्थ्य भी प्रकट होता है, वहां उद्धार हो जाता है। फिर अपने मुख का प्रकाश को चमका, हमारा उद्धार हो जाएगा करके तीसरा वचन में भी लिखा है, सातवां वचन में भी लिखा है। उद्धार करना करके तीन जगह पे उद्धार के बारे में लिखा है। उद्धार मतलब छुटकारा, ऐसे परेशानी से, झगड़े से, दुष्ट लोगों से, शत्रु से हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला वही है, उसकी ओर वो लोग पुकारते हैं। तेज परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, वहां चिन्ह चमत्कार होते रहता है। उनका पराक्रम हाथ शत्रु की युक्ति को मार डालता है। वो नया नियम में हम देखते थे पौलुस के विरोध में कितने लोग उठ रहे थे। शत्रु को, युक्ति को चूर चूर करने वाला परमेश्वर उनके साथ रहकर शत्रु, उनके विरोधी लोग क्या क्या प्लान किया, उस सारे प्लान को वो थोड़ डाला। ऐसे परमेश्वर उनका पराक्रम हाथ दिखाते हैं, वहां हमारे लिए उद्धार हो जाता है। यही लिखा है, आपका पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने के लिए आ जाओ, आइए करके पुकारते हैं परमेश्वर। फिर इसमें लिखा, अपने मुंह का प्रकाश को हमारे ऊपर चमकाओ, तब परमेश्वर की तेज, उनका प्रकाश हमारे ऊपर आता है, हमारा मुंह प्रकाशित हो जाता है, उनकी प्रकाश से हम प्रकाश पाते हैं, परमेश्वर की ज्योति से हम ज्योति पाते हैं। जब ज्योति मतलब उनका अनुग्रह है, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट होती है, तो हम सब जगह पे जाई पाते, हम छुटकारा पाते हैं। वो ज्योति हमारे मुंह पे आता है, हम कभी किसी के सामने लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा, मेरा जनता कभी किसी के सामने लज्जित नहीं होगा। ऐसे वचन में लिखा है, उसका मुंह को देखने वाला का मुंह प्रकाशित हो गया, वो लोग लज्जित नहीं होते हैं। तो प्रकाश मतलब आनंद, खुशी, परमेश्वर की अनुग्रह, जाई, सब कुछ उसी के अंदर ही है। उसका मुंह का रोशनी से हम रोशनी पाते हैं, उनका वचन रोशनी है, उस रोशनी पे हम चलते रहेंगे, हम रोशनी के अंदर ही रहेंगे, हम अंधेरा में ना चलेंगे। तो उद्धार परमेश्वर का ही है, उद्धार परमेश्वर की ओर से आता है, जो आसमान पृथ्वी बनाया उस परमेश्वर की ओर से हमारा उद्धार मिलता है। पौलुस के जीवन में हुआ, दाऊद के जीवन में हुआ, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर की ओर से उद्धार मिलेगा। आज ऐसे परिस्थिति में पता नहीं, सब अलग अलग परिस्थिति के अंदर दुख में पड़े रहते होंगे, लेकिन परमेश्वर अपनी तेज आपके ऊपर प्रकट करेगा, अपनी पराक्रम हाथों को आपके ऊपर प्रकट करेगा, अपनी मुंह को प्रकट, रोशनी को आपके ऊपर चमकाएगा, तो उद्धार वहां से हमको मिल जाएगा। आज विश्वास कीजिए, हालेलुया, यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, वो अपनी
मुंह की रोशनी को मेरे ऊपर वो चमकाएगा। हम नया नियम की लोग हैं, वो यीशु मसीह हमारे अंदर ही है, उनका महिमा की आशा वही है, उसका महिमा हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर से प्रकट होगा। हम उसके लिए अपने जीवन में जगह देंगे, हम आत्मा में चलेंगे, हम आत्मा में जिएंगे, परमेश्वर की जीवन हमारे अंदर से प्रकट होते रहेगा, तो चिन्ह चमत्कार की काम होगा हमारे लिए, हर जगह पे रास्ता खुल जाएगा। कोई हमारे विरोध में उठेंगे तो भी उनका हथियार पूरा असफलता हो जाएगा। ऐसे परमेश्वर हमारे लिए जरूर काम करेंगे। इस वचनों से परमेश्वर हमें आशीष किया, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, इस मधुर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। शत्रु को, युक्ति को चूर चूर करने वाला परमेश्वर, पौलुस के लिए आप किया है, आज हमारे लिए भी करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आपका तेज, आपका पराक्रम हाथ, अपना मुंह का प्रकाश हमारे ऊपर प्रभु दिखाकर हमको हर परिस्थिति के ऊपर प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हर परिस्थिति के ऊपर हमको जाय देने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह आप हमारे अंदर है, आप हमारे लिए महिमा की आशा है। हम प्रभु इस हालेलुया इस शरीर में प्रभु आप हमारे अंदर आकर निवास करते हैं, हम आपका पवित्र मंदिर है प्रभु, हमको चलाइए परमेश्वर, हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं सेवकाई के प्रभु, आपके लिए सेवकाई करने के लिए हमको चलाइए परमेश्वर, आपका ज्ञान से हमको भर दीजिए परमेश्वर, आपका राज्य के लिए हमको इस्तेमाल, हमको उठाकर प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए, आपका हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु, आप चलाइए स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन।